हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप गेमिंग ब्लूटूथ निक बैंड ईयरफोन बताऊंगा जो आपको 2000 के ऊपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, और इन सारे निक बैंड ईयरफोन को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे आप गेमिंग करना चाहते हैं या म्यूजिक सुनना चाहते हैं या वर्कआउट वगैरह के लिए आप लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सारे निक बैंड देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको जो फीचर दिए गए हैं आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी फीचर, 100 आवर तक का प्लेबैक टाइम, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, 13.6 एनएम डायनेमिक ड्राइवर, डीप बेस हाई क्वालिटी साउंड, गूगल वॉइस असिस्टेंट और लो लेटेंसी गेमिंग मोड जैसे फीचर के साथ में सारे आपको निक बैंड ईयरफोन देखने को मिलेंगे। और इन सारे ईयरफोन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हैं या इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप वहां से भी जाके जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अंडर 2000 रुपीज, 1500, 1000 या 500 रुपीज में कौन से निक बैंड ईयरफोन देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप ईयरफोन है जो आज के इस लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिस्ट में जो पांचवे नंबर पर निक बैंड ईयरफोन आता है आपको नोकिया की तरफ से देखने को मिलता है। इसमें भी आपको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा, जो बैटरी बैकअप दिया गया है, उसी के साथ में जो वाटर रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और यह नोकिया T2000 रैपिड चार्ज ब्लूटूथ निक बैंड ईयरफोन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको ब्लूटूथ 4.1 कनेक्टिविटी फीचर, 10 मीटर ऑपरेटिंग रेंज, मैग्नेटिक ईयरबड, 11 mm डायनेमिक ड्राइवर, हाई क्वालिटी साउंड, 14 आवर का बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस, इनबिल्ट HD माइक, वॉइस असिस्टेंट और गेमिंग मोड जैसे फीचर के साथ में आपको इनलाइन कंट्रोल फीचर भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 2299 रुपीज का देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस निक बैंड के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, उसी के साथ में जो वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है, जो साउंड क्वालिटी है, ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ब्लूटूथ 4.1 कनेक्टिविटी फीचर है, अगर 5 रहता तो भी ठीक रहता, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ओल्डर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें जो आपको बाकी के फीचर देखने को मिलते हैं वो भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस पे। तो बात करते हैं दोस्तों आज के लिस्ट में जो चौथे नंबर पर ब्लूटूथ निक बैंड आता है, आपको फास्ट ट्रैक की तरफ से देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको जो कनेक्टिविटी फीचर देखने को मिलता है, जो साउंड क्वालिटी है, जो बैटरी बैकअप है, ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और यह फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून ब्लूटूथ निक बैंड ईयरफोन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी फीचर, 10 मीटर ऑपरेटिंग रेंज, मैग्नेटिक ईयरबड, 10 mm डायनेमिक ड्राइवर, हाई क्वालिटी साउंड, 8 आवर का बैटरी बैकअप, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस, इनबिल्ट HD माइक, गूगल वॉइस असिस्टेंट और इनलाइन कंट्रोल फीचर के साथ में आपको 2795 रुपीज का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों इस निक बैंड ईयरफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें भी आपको जो साउंड क्वालिटी दिया गया है, जो इसमें आपको कनेक्टिविटी फीचर है, जो वाटर रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको 8 आवर का ही बैटरी बैकअप दिया गया है, जो कि और भी बेटर हो सकता था। और उसी के साथ में जो इसकी प्राइस है, फीचर के हिसाब से आपको प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लगती है, इसीलिए मैंने इसको 4 नंबर पर रखा है। और दोस्तों इस प्राइस पे भी आपको बढ़िया निक बैंड देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर निक बैंड ईयरफोन आता है, आपको एडेल की तरफ से देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको जो सारे फीचर दिए गए हैं, चाहे साउंड क्वालिटी की बात करें, चाहे बैटरी बैकअप की बात करें या वाटर रेजिस्टेंस की, ये सब कुछ बढ़िया देखने को मिलते हैं। और एडेल C6 ब्लूटूथ निक बैंड ईयरफोन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी फीचर, 10 मीटर ऑपरेटिंग रेंज, मैग्नेटिक ईयरबड, 10 mm डायनेमिक ड्राइवर, हाई-फाई डीप बेस साउंड क्वालिटी, 100 आवर्स का बैटरी बैकअप, 2 आवर टाइप सी फास्ट चार्जिंग, IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस, इनबिल्ट HD माइक, गूगल वॉइस असिस्टेंट, लो लेटेंसी गेमिंग मोड, इनलाइन कंट्रोल फीचर और 6 मंथ की वारंटी के साथ में आपको 2599 रुपीज का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस निक बैंड ईयरफोन के प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे अच्छी बात इसमें है दोस्तों कि इसमें आपको 100 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। या दोस्तों अभी तक जितने भी निक बैंड बताए हैं या जो आगे भी बताऊंगा, सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप इसमें है। उसी साथ में टाइप सी फास्ट चार्जिंग और जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, जो वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है, जो कनेक्टिविटी फीचर देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ आपको बहुत ही देखने को मिलते हैं इसमें। ऐसा कोई भी मेजर कॉन देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसको सिर्फ तीसरे नंबर पर रखने का मेन रीजन ये है कि अगर ये ब्रांडेड कंपनी की तरफ से रहता तो जो इसमें आपको फीचर दिए गए हैं उसकी वजह से दोस्तों इसको नंबर एक पर रखेंगे। दोस्तों ये आपको ब्रांडेड कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। लेकिन अगर आप अंडर 2500 रुपीज में एक बेस्ट गेमिंग निक बैंड ईयरफोन लेना चाहते हैं, इसमें सारे फीचर एकदम टॉप नॉच देखने के लिए, तब आप इसको ले सकते हैं।
तो बात करते हैं दोस्तों आज के इसमें जो दूसरे नंबर पर निकबैंड ईयरफोन आता है आपको सोनी की तरफ से देखने को मिलता है और इसमें आपको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। उसी के साथ में जो बैटरी बैकअप है, जो कनेक्टिविटी फीचर है, जो वाटर रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी फीचर, 10 मीटर ऑपरेटिंग रेंज, मैग्नेटिक ईयरबड, 12 mm डायनेमिक ड्राइवर, हाई क्वालिटी डीप बेस साउंड, 15 आवर का प्लेबैक टाइम, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, इनबिल्ट HD माइक, गूगल वॉइस असिस्टेंट और इनलाइन कंट्रोल फीचर के साथ में आपको 2,850 रुपीज का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस निकबैंड ईयरफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, तो सबसे अच्छी बात इसकी है इसकी जो रेटिंग देखने को मिलती है दोस्तों आपको 2,000 रुपीज से लेकर 3,000 रुपीज के बीच में सबसे ज्यादा बिकने वाला निकबैंड ईयरफोन आपको यही देखने को मिलता है। और इसमें आपको जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, जो वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है, जो बैटरी बैकअप है, ये सब कुछ भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको कोई भी ऐसा मेजर कॉन देखने को नहीं मिलता है। या दोस्तों अगर आपका बजट 3,000 रुपीज है और उस बजट में आप एक बेस्ट ब्लूटूथ निकबैंड ईयरफोन लेना चाहते हैं चाहे गेमिंग के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए, तब आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है सोनी की तरफ से। तो फाइनली दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक पे निकबैंड ईयरफोन आता है आपको रियलमी की तरफ से देखने को मिलता है और इसमें भी आपको जो सारे फीचर दिए गए हैं सब आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं और यह है रियलमी बड्स वायरलेस प्रो ब्लूटूथ निकबैंड ईयरफोन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें इसमें भी आपको ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी फीचर, 10 मीटर ऑपरेटिंग रेंज, मैग्नेटिक इंस्टा कनेक्ट ईयरबड, 13.6 mm बेस बूट ड्राइवर, सोनी LDAC हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, 22 आवर का बैटरी बैकअप, 1.5 आवर टाइप सी फास्ट चार्जिंग, IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस, इनबिल्ट HD माइक, लो लेटेंसी गेमिंग मोड, गूगल वॉइस असिस्टेंट और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन फीचर के साथ में आपको 3,999 रुपीज का देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस निकबैंड ईयरफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, इसमें भी आपको जो बैटरी बैकअप दिया गया है, जो साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है, जो इसमें आपको डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन फीचर भी मिल जाता है जिससे आपकी जो साउंड क्वालिटी रहेगी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसकी जो प्राइस है आपको 4,000 रुपीज में देखने को मिलता है। अगर आपका बजट 4,000 रुपीज है और उस बजट में आप एक बेस्ट गेमिंग निकबैंड ईयरफोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको सारे फीचर एकदम टॉप नॉच देखने को मिले, तब आप इसको ले सकते हैं। ये भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट फ्लैगशिप ब्लूटूथ निकबैंड ईयरफोन मोर देन 2,000 रुपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।